नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के आइए आज हम सभी धनिया से होने वाले फायदों के बारे में जानते हैं जी हाँ कुरियंडर भारत में धनिया और अमेरिका और यूरोप के कुछ हिस्सों में सिलेंट्रो के नाम से जाना जाता है इस जड़ी बूटी का उपयोग पूरी दुनिया में व्यापक रूप से व्यंजन में मसाला के रूप में और गार्निश के लिए किया जाता है इसका वैज्ञानिक नाम कुरान्ड्रम सेटाइवम है इसमें ग्यारह घटक 6 प्रकार के एसिड खनिज और विटामिन पाए जाते हैं जो इसे बहुत फायदेमंद बनाते हैं आमतौर पर इसका उपयोग व्यंजनों में कच्चे या सूखे रूप में किया जाता है सूखा धनिया संपूर्ण रूप में और पाउडर दोनों रूपों में पाया जाता है धनिया के बीज का तेल भी उपयोग किया जाता है आइए अब हम सभी जानते हैं धनिया से होने वाले फायदों के बारे में धनिया फोर वेट लॉस यदि आप मेटाबॉलिज्म बढ़ाने और वसा को जलने वाले खाद्य पदार्थ का उपभोग करते हैं तो आपका वजन कम हो सकता है इसीलिए अगर आप अपना वज़न कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो धनिए के बीज का उपयोग करें जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा इसके लिए आप तीन बड़े चम्मच धनिए के बीज को एक गिलास पानी में उबाल लें जब पानी आधे से कम हो जाए तो इसे छान लें और प्रतिदिन दो बार इसका सेवन करें धनिया का पानी थायराइड में यदि आपको हाइपोथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म जैसी थायराइड की समस्याएं हैं तो आप धनिया के बीज का सेवन करें इसका उपयोग हार्मोन को नियमित करता है इसमें उच्च प्रकार के विटामिन खनिज और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो थायराइड की समस्या में बहुत लाभदायक होते हैं इसके लिए आप धनिया का काढ़ा धनिया की स्मूदी या धनिया का पानी अपने आहार के रूप में उपयोग करें धनिया खाने से आपका पाचन तंत्र मजबूत होता है यदि आपको पाचन संबंधी समस्या है तो आप धनिया का सेवन करें यह सूजन को भी कम करने में मदद करता है धनिया पाचन तंत्र के अन्य लक्षण जैसे गैस सूजन और चिड़चिड़ापन चीर इत्यादि से छुटकारा दिलाने में मदद करता है इसका उपयोग आंतों को पोषक तत्वों को बेहतर ढंग से अवशोषित करने में मदद करता है इसके लिए आप नारियल के दूध और ककड़ी या तरबूज जैसे अन्य ठंडे पदार्थों के साथ एक बड़ा चम्मच धनिये के बीज को मिलाकर स्मूदी बना लें और इसका सेवन करें इसके साथ साथ अगर आपको एलर्जी हो गई है तो भी आपके लिए धनिया बेहद लाभकारी साबित होगा धनिया ठंडा होता है इसीलिए एलर्जी को शांत करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है यह एलर्जी के आम लक्षणों जैसे पित्ती खुजली और सूजन को दूर करने में मदद करता है इसे त्वचा पर उपयोग करने के लिए एक चम्मच शहद और आधा चम्मच पीसे हुए धनिए को मिलाकर पेस्ट बना लें इस पेस्ट को प्रभावित क्षेत्र पर लगाएं और 5 से दस मिनट के बाद धो लें यदि आपके मुंह या गले में सूजन है तो धनिए के बीज की चाय आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी इसके लिए आप एक कप पानी में एक छोटा चम्मच पीसी हुई धनिए का बीज उबालें अब इसको गर्म गर्म पी लें आप चाहें तो इसमें स्वाद के लिए शहद भी डाल सकते हैं आप धनिया के बीज को ठंडे खीरे या अजवाइन के डंठल के रस में मिलाकर भी सेवन कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप गठिया रोग से पीड़ित हैं तो भी आप धनिया का प्रयोग कर सकते हैं धनिया के एंटी इन्फ्लामेंट्री गुण के कारण इसका उपयोग गठिया से राहत पाने के लिए भी किया जाता है इसके लिए आप शिया मक्खन नारियल का तेल या फिर अपने पसंदीदा खुशबू रहित लोशन में आधा छोटा चम्मच धनिया के बीज का पाउडर मिलाकर लेप लगाएं यह बहुत ही फ़ायदेमंद होगा धनिया के बीज का तेल भी गठिया में लाभकारी होता है इसके लिए आप एक बड़ा चम्मच नारियल तेल जैतून का तेल या अंगूर के बीज के तेल में पाँच बूंद धनिया के तेल को मिलाकर अपने जोड़ों पर मालिश करें या फिर आप दूसरे एंटी इन्फ्लामेंट्री तेल जैसे लोबान का तेल ट्री ऑयल तेज पत्ते का तेल नींबू का तेल भी मिला सकते हैं धनिया के औषधीय गुण मासिक धर्म में भी बेहद कारगर साबित होते हैं अत्यधिक मासिक धर्म के प्रवाह से पीड़ित महिलाओं को उबले धनिया के बीज के पानी का सेवन करना चाहिए यह रक्त स्त्राव को नियंत्रित करता है धनिया में मौजूद आयरन रक्त की कमी को पूरा करने में मदद करता है यह शरीर में ऊर्जा के स्तर में भी सुधार करता है धनिया के बीज के फायदे डायबिटीज़ में भी बेहद हैं कारगर साबित होते हैं दोस्तों धनिया का बीज इंसुलिन की गतिविधि को बनाए रखते हैं और रक्त में ग्लूकोज के स्तर को कम करता है अतः स्त्रावी ग्रंथियों पर धनिया के उत्तेजक प्रभाव के कारण अग्न्याशय में इंसुलिन का स्त्राव बढ़ता है यह अन्य सामान्य चयापचय कार्यों के ठीक से होने के लिए रक्त शर्करा के स्तर को तेजी से कम करता है इसके लिए आप धनिया पाउडर या धनिया बीज का उपयोग सूप अचार रस में कर सकते हैं आप धनिया के पानी का भी उपयोग कर सकते हैं इसके लिए आप 10 ग्राम कूटे हुए धनिया के बीज को पूरी रात पानी में भिंगोने के लिए रख दें और सुबह उठकर कर उस पानी को पी लें हरे धनिया के बीज के लाभ आँखों की खुजली मिटाने के लिए धनिया के बीज में उच्च एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो आंखों में खुजली लालिमा और सूजन को कम करने में मदद करते हैं धनिया के बीज में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो नेत्र श्लेष्मा शोध जैसे संक्रामक रोगों से आंखों की रक्षा करते हैं अगर आपको कंजक्टिवाइटिस की समस्या है तो इसके लिए धनिया के बीज के काढ़े से अपनी आँखों को धोएं इसके अलावा आँखों की विभिन्न समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए प्रतिदिन खाली पेट धनिया का सेवन करें इसके अलावा साबुत धनिया के फायदे त्वचा के लिए धनिया में कीटाणुनाशक विषरण एंटीसेप्टिक एंटीफंगल और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो एक सूखेपन और फंगल संक्रमण जैसे त्वचा विकारों को साफ करने में मदद करते हैं जैसा कि पहले हम आपको बता चुके हैं कि धनिया कई एंटीऑक्सीडेंटों में समृद्ध है जो त्वचा की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने से फ्री रेडिकल्स को रोक सकते हैं विटामिन ए e एक महत्वपूर्ण घुलनशील विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट है जो बलगम झिल्ली और त्वचा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है विटामिन सी एक शक्तिशाली प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है जो फ्री रेडिकल्स से लड़ता है इस वजह से उम्र बढ़ने के लक्षणों को रोकने में ये मददगार साबित होता है जैसे लूज स्किन झुर्रियाँ रंजकता इन सब को दूर करता है इसके अलावा धनिए का रस जो है वो बालों के लिए भी बेहद लाभकारी साबित होता है धनिया का रस नए बालों के विकास में मदद करती है और बालों के झड़ने की समस्या से छुटकारा दिलाती है क्योंकि इसमें आवश्यक विटामिन और प्रोटीन होते हैं जो बालों के विकास में मदद करते हैं आप पानी की कुछ एक बूंदों का उपयोग करके धनिया के ताजे पत्तों का पेस्ट बना लें शैम्पू करने से एक घंटे पहले इस पेस्ट को अपने सिर पर लगाएं। प्रभावी परिणाम पाने के लिए दो से तीन सप्ताह में इसका दो बार इस्तेमाल करें आप पानी में धनिया के पत्तों को उबाल कर उसे ठंडा करके अपने बालों को भी धो सकते हैं इसके अलावा धनिया के पत्ती के लाभों में से एक मुख्य लाभ है कि उच्च रक्तचाप को कंट्रोल करता है एल यानी कि कोलेस्ट्रोल को कम करने के अलावा धनिया हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है यह जड़ी बूटी पोटेशियम मैग्नीशियम कैल्शियम मैग्नीज और लोहे का अच्छा स्रोत है यह उच्च पोटेशियम और कम सोडियम के कारण हृदय की दर और रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है इसके साथ साथ अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से धनिया के कुछ एक नुकसान भी हो सकते हैं इनके बारे में आइए जानते हैं धनिया के बहुत ही कम नुकसान है पर इसके अधिक मात्रा में सेवन से एलर्जी की समस्या हो सकती है जो त्वचा पर देखी जा सकती है धनिया के अधिक मात्रा में सेवन करने से हमारी त्वचा के सनबर्न होने की संभावना बढ़ जाती है जो लंबे समय में त्वचा के कैंसर का कारण बन सकती है गर्भवती महिलाओं को धनिया का सेवन नहीं करना चाहिए जब तक इसके ऊपर पूरी तरह से रिसर्च ना हो जाए हालांकि कुछ महिलाओं ने दावा किया है कि धनिये के सेवन से स्तन के दूध में वृद्धि होती है तो दोस्तों ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए लेकिन इसके साथ साथ आपको एक बात का ख्याल ऑलवेज रखना चाहिए क्योंकि हमारा स्वास्थ्य जो है वो सबसे बेशकीमती धन है हमारे लिए अगर हम स्वस्थ हैं तो दुनिया की हर एक चीज़ हमारे लिए खूबसूरत है अगर हमारी बॉडी में कोई भी बीमारी घर कर जाती है आ जाती है तो हमारे लिए दुनिया की सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं इसीलिए सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ रखना ज़रूरी है इसके लिए आप उचित मात्रा में पानी का सेवन ज़रूर करें और इसके अलावा अपनी डाइट को ऑलवेज बैलेंस्ड रखें अगर आप अपने खान पान में नियमित रूप से बदलाव करके हर एक चीज़ को शामिल कर रहे हैं जो कि ज़रूरत होती है जब शरीर में आपको पता चल रहा है कि मैंने लगातार बहुत दिनों से केवल मीठा मीठा खाना ही खाया है तो स्वाभाविक सी बात है कि जो आपको चाहिए होगा विटामिन सी चाहिए होगा वो नींबू से मिलेगा आप केवल मीठा खा रहे हैं कुछ एक दिनों से लगातार तो उसकी कमी तो हो ही रही है शरीर में इसीलिए अपनी डाइट को बैलेंस रखना जरूरी है सुबह से शाम तक के खाने में ऐसा प्लान बनाएं या डाइट चार्ट बनाएं जिसमें कि हर एक चीज़ शामिल हो जिससे आप स्वस्थ रह सकें या आपको स्वस्थ रहने में मदद मिल सके तो दोस्तों ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में हम आप सभी से जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों